खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। मोहम्मदाबाद थाना के बड़ईपुर गांव में 29 जून को हुई डबल मर्डर का खुलासा करते हुए गाजीपुर पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू को बरामद कर लिया है। ये गिरफ्तारी सर्विलांस और साक्ष्य के आधार पर हुई है। यहां आपको बता दें कि 29 तारीख को बड़ईपुर ग्राम प्रधान रामलाल बिंद के पुत्र विकास और मौसेरे भाई सुनील खेत में शौच करने गए थे। दोनों युवकों पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। हत्यारा गांव का ही रहने वाला मनबड़ किस्म का बदमाश बताया जा रहा है। पूर्व में किसी बात की रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा आज एसपी ओमवीर सिंह ने किया। 28/29 तारीख की रात में बड़ईपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें दो नवयुवकों की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अभियोग मृतक के पिता के द्वारा पंजीकृत कराया गया था तथा उसने गांव के ही एक आदमी को नामित करते हुए कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। पुलिस के लिए ये शुरू से ही एक मिस्ट्री बनी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मृतक के फादर हैं वो बता नहीं पा रहे थे। वो वर्तमान में उस गांव के प्रधान भी हैं। जब पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई तो करीब इसके जो आरोपी बनाया गया था उसके परिजनों से बातचीत की गई, उसके रिश्तेदारों से बातचीत की गई, लेकिन जो नामित अपराधी था उसके द्वारा लगभग 48 घंटे तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस इसमें लगी हुई थी। तो उसकी एक ये जानकारी मिली कि उसके द्वारा अपने खाते से पैसा निकाला गया है। पुलिस के द्वारा जब उस सूचना को डेवलप किया गया तो जानकारी हुई कि सूरत में पैसा निकाला गया है। वहाँ पर इसकी रिश्तेदारियों की जानकारी की गई और एक टीम वहाँ भेजी गई। इसी दौरान किसी तरह से इसके जो परिजन थे कहीं से जानकारी हुई कि ये जानकारी उस तक पहुँच गई, तो ये अपराधी वापस आ रहा था और ये इसकी जब सर्विलेंस पे ले रखा था जानकारी हुई तो ये बक्सर तक पहुंचा। जब हमारी टीम इसको अरेस्ट करने का अपना जा रही थी तो उसी समय ये जो बलिया वाली रोड है हमारे गाजीपुर जनपद में, वहाँ पे इसे घेर के पकड़ा गया। पूरी घटना का इससे जानकारी की गई तो ये इस घटना में अकेला ही संलिप्त था। करीब 22-23 तारीख में कुछ बात जो मृतक पक्ष है उसमें और इसमें हुई थी, जिसको लेकर कसीदगी चली आ रही थी, जिसके द्वारा इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया। इसकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद हुआ है। आज इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा।